नमस्कार फ्रेंड, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानपीठ इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए बहुत शानदार से ट्रिक लेकर आए हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैलेंडर जो आप कम से कम 500, 700 या 1000 सालों के बीच का डिफरेंस आप तुरंत ही मात्र 10 सेकंड में आप निकाल पाओगे। आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई सा भी वार अगर आपसे पूछ लिया, जैसे मैंने बोल दिया 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो आप बताइए 10 दिसंबर के दिन वार कौन सा होगा। आप कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है आप तुरंत ही उसका जवाब दे पाएंगे। अपन क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पहले क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपने लिए है, देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। देखिएगा, देखो यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च, दिसंबर तक जो महीने लिखे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो जितने भी सारे आपके पास महीने हैं उन सभी का मैंने कोड दर्शाया हुआ है। कोड यहाँ पर लिखा है, जैसे जनवरी का कोड मैंने 1 लिखा है तो दिसंबर का कोड 6 लिखा है। इसी प्रकार हर महीने का अलग अलग कोड आपको मैंने बता रखा है। बस आपको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, एक नॉर्मल सा मोबाइल नंबर जैसे अपन याद रखते हैं वैसे आपको 12 अंक का याद रखना है। कोड होते हैं 144, 025, 036, 146, ये 12 ही माह के कोड आपके पास होते हैं। अब पहली बात, आपको एक छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होगी। जब भी अपन कैलेंडर पढ़ते हैं तो वहां पर आपको विशेष इस बात का ध्यान देना होगा कि कैलेंडर पढ़ते समय आप बेस जिसको मानते हो वो 7 दिन को बेस मानते हो। यहां पर कैलेंडर में एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जब भी अपन कैलेंडर पढ़ते हैं कैलेंडर में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका शेष बचता है वही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखिएगा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिर्फ 1 साल के बीच में आपसे कोई सा भी वार पूछ लिया जाता है, कोई सा भी वार आपको दिया जाता है, आगे का आपसे पूछा जाता है तो आप तुरंत बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि भाई 500, 1000 सालों के बीच में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था, 26 जनवरी 1947 को कौन सा वार था, तो आप तुरंत ही बता सकते हो। आपसे पूछ लिया गया 26 जनवरी 1250 को कौन सा वार था तो भी आप बता सकते हो। आपसे पूछ लिया गया कि 10 दिसंबर 2022 को कौन सा वार था तो भी आप बता सकते हो। आपसे पूछ लिया गया है कि 2305 के 10 दिसंबर 2305 को कौन सा वार था तो भी आप आराम से बता सकते हो। मतलब कुल मिलाकर आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो 1 साल के बारे में जितना भी आपको जानना होगा वो सारा इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। कल आपको जो अगले वीडियो में जब बताऊंगा तो अगले वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं पूरे जितने वर्ष होते हैं उनके बीच में लगभग 1000 सालों का जो डिफरेंस होता है वो सारा मैं आपको बताने वाला हूं। फिलहाल आज देखिए, जब 1 वर्ष की अपन बात करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है, वर्ष कोई सा भी वर्ष हो, जब किसकी बात करते हैं अपन साधारण वर्ष की बात करते हैं, जब भी साधारण वर्ष आपके सामने होगा उसका पहला और आखिरी दिन समान होगा, पहला और आखिरी दिन समान होगा। बेस मैंने अभी बता दिया 7 होता है। अब आपको इस बारे में जरूर पता होगा कि लीप वर्ष जो होता है उसमें फरवरी 29 की होती है। ठीक है, हर वर्ष 28 की फरवरी आती है, हर 4 साल बाद फरवरी 29 की आती है, और जिस वर्ष फरवरी 29 की आती है उसे ही अपन बोलते हैं लीप वर्ष अपन बोलते हैं। अब देखिएगा, जब साधारण वर्ष है तो यहाँ पर फरवरी आपके पास 28 की है तो यहाँ पर पहला दिन और आखिरी दिन आपका समान था, पहला दिन और आखिरी दिन समान था। अब यहाँ पर मैंने बोल दिया कि आपके सामने जब लीप वर्ष आ चुका है तो लीप वर्ष में क्या होता है, जब फरवरी 28 से कितनी हो जाती है 29 की हो जाती है तो भाई आपका एक दिन बढ़ जाता है, भाई एक दिन प्लस हो जाता है उस महीने में। जब एक दिन प्लस हो जाता है तो साल का एक दिन भी बढ़ जाता है। तो जब भी लीप वर्ष होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में हमेशा यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, पहले दिन और आखिरी दिन में अंतर क्या होता है, भाई आखिरी वाला दिन एक दिन अधिक होता है, एक दिन अधिक होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं लीप वर्ष के लिए 1+ करके लिखा आपने, अधिक लिख दिया मैंने यहां पर, मतलब क्या होता है एक दिन अधिक होता है, वही मात्राओं पर ना जाए। ठीक है, तो एक दिन आपके पास अधिक होता है। अब देखिएगा, मैं पहला क्वेश्चन आपको जो बताने वाला हूं बड़ा ध्यान से देखिएगा, मैंने आपके लिए यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा है, मैं देख लेता हूं मैंने नोट्स बना रखे हैं। देखिएगा, मैंने लिखा है आज पहला दिन, जब मैंने लिखा 1 जनवरी 1947 को बुधवार,
क्या लिखा है मैंने, 1 जनवरी 1947 को बुधवार था, तो आप बताइए 1 मार्च 1947 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर अपन जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक साल के अंदर अंदर की अपन बात कर रहे हैं। लीप वर्ष के बारे में भी आपको बताऊंगा और साधारण वर्ष के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला भाई, 1 जनवरी 1947 को बुधवार था, तो आपसे पूछा गया है कि बताइए 1 मार्च 1947 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिएगा जब ये पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है आपको कि यहाँ पर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और सारे दिसंबर तक के जितने भी कोड मैंने दिए हैं ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद करने होंगे। भाई जनवरी का कोड 1 होता है, दिसंबर का कोड 6 होता है, यहाँ पर जून की बात कर ली तो 5 होता है। जो भी महीना मैंने लिखा है उसके नीचे यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसको देखने का बहुत ही आसान तरीका है, आपको YouTube पे अलग अलग टीचर के अलग अलग फंडे आपको मिल सकते हैं, यहाँ पर अलग मिल सकता है, किसी का सेम मिल सकता है, तो आप प्लीज़ देखिएगा। देखिएगा जब यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 जनवरी की मैंने बात करी भाई, जब 47 की बात करी तो भाई 47 वाला कौन सा साल होता है, साधारण वर्ष होता है। कौन सा वर्ष होता है, साधारण वर्ष होता है। साधारण वर्ष के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, जो आपके पास कोड है वही होते हैं। जब सिर्फ बात हो जाती है लीप वर्ष की तो लीप वर्ष में एक थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, कि बदलाव क्या आता है, लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। आपका काम इन दोनों से भी होगा जब यहाँ पर क्या होगा, लीप वर्ष होगा। फिलहाल आपके सामने साधारण वर्ष, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 1 जनवरी 1947 को बुधवार था, तो आप बताइए 1 मार्च 1947 को कौन सा वार होगा। अब देखिएगा यहाँ पर 1 जनवरी की बात मैंने करी, भाई जनवरी महीने की बात करी तो भाई जनवरी महीने का कोड कितना है, 1 मेरे पास यहाँ पर लिखा है। अगली बार मैं गया कहाँ पर हूँ, मार्च पर गया हूँ, तो भाई मार्च की कोड की अपन बात करते हैं तो मार्च का कोड कितना है, 4 है। मतलब यहाँ से जनवरी से कोड बड़ा कितना है, 3 प्लस हुआ है, मतलब कितने दिन बढ़ चुके हैं आपके, 3 दिन बढ़ चुके हैं। यहाँ पर वार क्या था आपके पास, बुधवार था, 3 प्लस हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना है, बुधवार में आपको 3 प्लस कर लेना है। जैसे ही आप 3 प्लस करोगे तो आपका आंसर तैयार मिलता है। बुधवार को 3 दिन आगे बढ़ा देना है, तो बुधवार से आगे बढ़ाएंगे तो गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, यानी आपके पास क्या होगा, 1 जनवरी 1947 को अगर बुधवार था तो 1 मार्च 1947 को कौन सा वार होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाता है कि शनिवार आपका आंसर होगा। कौन सा वार होगा, शनिवार आंसर होगा। मैंने बता दिया है, मात्राओं पर ध्यान न दे, ठीक है, लिखिएगा। देखो ये बात समझ में आई, अपन अगले एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपन देखते हैं। देखिएगा आपको इस बात का ध्यान रखना है, साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन समान होता है, लीप वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन में अंतर क्या होता है, आखिरी वाला दिन जो होता है वो लीप वर्ष से 1 दिन अधिक वाला होता है, लीप वर्ष से 1 दिन आगे होता है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा 16 मार्च 1951, क्या लिखा, एक मिनट थोड़े बड़े लिख देता हूं, यदि 16 मार्च 1951 को आपके पास वार दिया है शुक्रवार है, यदि 16 मार्च 1951 को शुक्रवार है तो आपको बताना है 16 जून 1951 को कौन सा वार होगा, यह आपसे पूछा जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले किस पर ध्यान देना है, यह महीना कौन सा है, मार्च महीना आपके पास है, यह महीना कौन सा है, जून महीना आपके पास है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से मार्च का कोड उठाना है। भाई मार्च का कोड कितना है, 4 है, तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। यहां पर अपन बात कर रहे हैं किसकी, जून की, जून का कोड कितना है, 5 है, तो मैंने यहां पर कितना लिख दिया है, 5 मैंने यहां पर लिखा है। जैसे 5 लिखा है तो आप देखिएगा भाई कितने प्लस हुए हैं,
एक दिन प्लस हुआ है तो जो भी आपका वार था उसमें भी क्या हो जाएगा, एक दिन प्लस हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर प्लस वन आपको कर देना है। भाई यहाँ पर आपका शुक्रवार था, एक दिन जब प्लस करेंगे तो एक दिन आगे बढ़ जाएगा, तो आपका वार वापस क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। और वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है कि भाई उसने पूछा कि बताइए 16 जून 1951 को कौन सा वार था, तो 16 जून 1951 को वार कौन सा होगा, सॉरी कौन सा वार होगा, शनिवार होगा। देखिएगा एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको लीप वर्ष के बारे में भी बताने वाला हूँ, है ना। तो फिलहाल अपन साधारण वर्ष के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 9 मार्च 1950 को गुरुवार था। देखो अभी तक मैं क्या लिख रहा था, इधर अगर जनवरी की एक तारीख मैंने लिखी है तो दिसंबर की भी एक मैंने लिख दी थी। अब यहाँ पर तारीख में भी थोड़ा डिफरेंस लाकर अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 9 मार्च, क्या लिखा, 9 मार्च 1950 को गुरुवार था, इस तरीके से जब भी आप पढ़ोगे तो आपको इस बात की ध्यान नहीं रखना पड़ेगा कि इस महीने में कितने दिन बचे हैं, उसमें कितने बचने वाले हैं, उसमें कितने छूट चुके हैं, इसमें कितने बचे हैं, ऐसा कोई आपको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैंने पूछ लिया, बताइए 11 मार्च 1950 को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अभी क्या लिखा था आप लोगों ने, जब 9 मार्च 1950 को गुरुवार है तो 11 मार्च 1950 को कौन सा वार होगा। अब आपका पहला काम क्या है, गलत लिख दिया है, यहां मार्च में बदलाव करते हैं, चलो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो चुका। देखिएगा यहां पर आप कुछ भी तारीख लिख लीजिए, यहां पर आप लिखिए 11 दिसंबर 1950 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। अभी क्या पूछा था आपसे, 9 मार्च 1950 को अगर गुरुवार है तो आपको बताना है उसी वर्ष यानी 11 दिसंबर 1950 को कौन सा वार होगा या आने वाला है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, यहाँ पर आपके पास मार्च है, यहाँ पर आपके पास क्या है, दिसंबर है, तो आपको सिर्फ कोड किसके लेना है, मार्च के, उधर से कोड आपको लेना है किसके, दिसंबर के कोड आपको लेना है। मार्च का कोड कितना होता है, 4 होता है, दिसंबर का कोड कितना होता है, 6 होता है, मतलब प्लस कितने हुए हैं, 2 दिन हुए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब सिर्फ अपन माह के कोड लेते हैं तो जो आपके पास दिन बढ़कर आते हैं वो उसी सेम तारीख के आते हैं, यानी यहाँ पर क्वेश्चन जो आपने ये वाला किया है ये क्या बन चुका है कि जब 9 मार्च 1950 को गुरुवार है तो आपका आंसर किसका आएगा, 9 दिसंबर 1950 को क्या होगा। अब देखिएगा जब 9 दिसंबर आ जाएगा, यहाँ पर 11 दिसंबर पूछा है तो 2 दिन आप खुद से आगे बढ़ा लीजिएगा, तो यहाँ पर आपके पास क्या आया, जब 2 दिन आगे बढ़ा है, गुरुवार में मैं 2 दिन और ऐड कर देता हूं, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, प्लस 2 दिन और बढ़ा दिए, तो शुक्रवार और क्या हो जाता है, शनिवार हो जाता है, क्या हो जाता है, शनिवार। अब देखो जैसे ही आपका शनिवार हुआ, मतलब क्या हो चुका, आपका 21 तारीख का आ चुका है कि 11 दिसंबर तो यहां पर आने वाला है, आया किसका है, 9 दिसंबर का आपका आंसर आया है, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है, 11 दिसंबर भाई 9 के बाद 11 कब होता है, 2 दिन और आगे, 10 और 11 तारीख, यानी प्लस वापस मैंने क्या कर लिया, 2 दिन यहां पर किया है, तो शनिवार से अपन वापस 2 दिन बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार से रविवार और सोमवार हो जाएगा, तो आपका आंसर भी क्या हो जाता है, सोमवार हो जाता है, क्या हो जाता है, सोमवार, और यही आपका क्या है, आंसर हो जाता है। बात समझ में आई। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई बहुत सारे वर्षों का अगर जब गैप होगा तो उसके बीच में आप कैसे बता पाओगे, ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इसकी पूरी प्रैक्टिस अपन यहीं पर आज कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो बात हो चुकी है साधारण वर्ष की, अगर मैं बात करता हूं लीप वर्ष की, मैं बात कर लेता हूं लीप वर्ष की। देखिएगा जब लीप वर्ष की तारीख अपन मान लेते हैं 11 फरवरी, देखिएगा 11 फरवरी 1996 या 96 11 फरवरी 1996 को रविवार, 11 फरवरी 1996 को रविवार है तो आप बताइए 15 सितंबर 1996 को कौन सा वार होगा, क्या लिखा है यहां पर, 15 सितंबर 1996 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा गया है।
11 फरवरी 1996 को अगर रविवार है तो आपसे पूछा गया है 15 सितंबर 1996 को कौन सा वार होगा, इसके बारे में आपसे पूछा है। अब देखिएगा, जब आपको पता है लीप वर्ष के, एक और चीज बता ही देता हूं, देखो यहां पर आप कैसे देखोगे कि लीप वर्ष कैसे पता चलेगा, तो जो लास्ट की 2 डिजिट होती है, जैसे यहां पर कितना है 96 अपनों ने लिखा, अगर इसमें 4 से पूरी तरह भाग चला जाता है तो वो वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष होता है। तो यहां पर मैं जब 4 से भाग दूंगा तो 4 से भाग देने पर 4 2 8 और 4 4 16, जब कुछ शेष बचा ही नहीं है, मतलब ये वर्ष कौन सा है, लीप वर्ष आपके पास होता है। और मैंने आपको बता रखा है लीप वर्ष में सिर्फ जनवरी और फरवरी के कोड बदलकर क्या हो जाते हैं, 0 और 3 हो जाते हैं। मैं अब यहां पर लीप वर्ष की अपन बात करते हैं, तो लीप वर्ष की बात करते हैं तो फरवरी का कोड कितना है, 3 है, तो मैंने यहां पर 3 लिख दिया। यहां पर सितंबर की बात करते हैं, सितंबर का कोड कितना है, 6 है, तो मैंने यहां पर 6 लिख दिया है। भाई कितने दिन प्लस हुए हैं, तो भाई 3 दिन बढ़ चुके हैं। कोड में कितने दिनों का अंतर आया है, 3 दिनों का अंतर आया है, मतलब महीने में भी दिनों का अंतर कितना आएगा, 3 दिनों का अंतर आपका आने वाला है। अब जब वो 3 दिनों का अंतर आएगा तो वो 3 दिनों का अंतर कौन सा आ रहा है, इस बात को समझना। यहां पर मैंने क्या लिखा था, 11 फरवरी, तो 3 दिनों का अंतर भी किसका आ रहा है, 11 सितंबर का आ रहा है। किसका आ रहा है, 11 सितंबर का। आपसे पूछा क्या गया है कि 15 सितंबर के दिन कौन सा वार होगा, तो सबसे पहले अपन 11 फरवरी से 11 सितंबर तक तो पहुंचे, उसके बाद पहुंच जाएंगे अपन 15 सितंबर तक। देखो जब 3 दिन प्लस हुए हैं तो फरवरी का कोड मैंने यहां पर लिख दिया है, यहां पर भी कोड मैंने यहां पर लिखा है, 3 दिन जब प्लस हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। रविवार था, रविवार में भी मैंने क्या कर लिया, प्लस 3 दिन कर लिए हैं, कितने दिन कर लिए हैं, प्लस 3 दिन किए। जैसे ही यहां पर 3 दिन किए तो रविवार से 3 आगे दिन बढ़ जाओ, तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो यहां पर आप क्या लिख लोगे, बुधवार आप यहां पर लिख लो। जैसे ही आपने क्या लिखा, बुधवार लिखा, अब यहां पर तारीखों में अंतर कितने का है, यहां पर 11 तारीख थी, यहां पर 15 तारीख है, मतलब ये तारीख 4 दिन और आगे है, तो आपको क्या कर लेना है, प्लस 4 दिन एक बार और अपने को कर लेना है। बुधवार से जब 4 दिन आप आगे बढ़ोगे तो यहां पर 4 दिन आगे बढ़ने पर क्या हो जाएगा, बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। यहां पर तो देखो मैंने आपको गिन गिन के बताया है, तो आपको आगे क्या ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ध्यान रखना है, जब भी कभी भी 3 और 4, जब भी 7 दिन बढ़ते हैं, मतलब वही वार क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है, वही वार क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 1 जनवरी के दिन सोमवार था, तो 8 जनवरी के दिन कौन सा वार होगा, जब मैंने 1 में 7 को जोड़ लिया, 8 मेरे को मिला, मतलब 1 तारीख को अगर सोमवार था तो 8 तारीख के दिन भी वार कौन सा होगा, सोमवार ही आपका होगा। यहीं पर भी मैंने वही बताया है, 3 दिन पहले प्लस हुए, फिर 4 दिन प्लस हुए, मतलब 3 दिन जोड़ लिए, फिर 4 दिन जोड़े, टोटल कितने दिन जोड़ लिए हैं, 7 दिन अपनों ने जोड़े हैं। कितने दिन जोड़े हैं, जब 7 दिन जोड़े हैं, मतलब 7 दिन जोड़ने का मतलब क्या होता है, जो वार पहले था वही वार आपको क्या मिलेगा, आंसर में मिलेगा, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आपको 0 वाला भी बता देता हूं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखिएगा, देखो यहाँ पर मैंने आपके लिए तारीख क्या ले ली, जैसे अप्रैल में 0 है, जुलाई में 0 है, अपन क्या करते हैं, मैंने क्या लिया यहाँ पर, मैंने लिया 5 अप्रैल, 5 अप्रैल कोई सा भी ईयर ले लो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लीप वर्ष सिर्फ कहाँ पर असर करता है, तो जनवरी और फरवरी महीने पर असर करता है, बाकी और कहीं पर असर नहीं करता है, किसी भी कोड पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, 5 अप्रैल लिखा है। अब ईयर लिखने की जरूरत रही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लीप वर्ष है नहीं है, साधारण वर्ष का कोई रोल रहता नहीं है, क्योंकि साधारण वर्ष आपके पास पहले से होता है, कोई सा भी वर्ष ले लो, लीप वर्ष का कोई असर यहाँ पर होता नहीं है। फिर भी आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, 5 अप्रैल, 5 अप्रैल क्या लिखा मैंने, 5 अप्रैल 1209, यदि 5 अप्रैल 1209 को सोमवार है, क्या क्वेश्चन दिया है, 5 अप्रैल 1209 को अगर सोमवार है तो आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछ लिया गया, सितंबर की बात कर ले, 5 सितंबर, 5 सितंबर 1209 को
कौन सा वार होगा यही आपसे पूछा जाएगा। अब देखिएगा अप्रैल है भाई, अप्रैल का कोड कितना है, यहाँ पर अप्रैल का कोड आपके सामने कितना है, जीरो है, तो यहाँ पर मैंने जीरो लिख लिया है। जब अप्रैल का कोड जीरो लिखा है, यहाँ पर अपन वापस किससे किधर आए हैं, सितंबर पर आए हैं, तो जब अपन सितंबर पर आएंगे तो सितंबर का कोड कितना होता है, छः होता है। भैया जीरो में कितना जोड़े कि छः मिल जाए, भाई छः ही जोड़ना पड़ेगा, मतलब कितने दिन आगे बढ़ चुके हैं, छः दिन आपके आगे बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने प्लस छः किया तो छः मेरे को मिला है। तो यहां पर जब सोमवार था, सोमवार में अगर मैं प्लस 6 करता हूं तो यहां पर क्या होता है, मैंने आपको बताया था अपन प्लस 7 करते हैं तो वही वार मिलता है, प्लस 6 करेंगे मतलब एक दिन पीछे, यानी सोमवार में प्लस 6 करके देख लीजिए, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, यानी आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, रविवार आपका आंसर हो जाएगा, क्या होगा, रविवार आपका आंसर हो जाता है। अगर यहाँ पर 7 दिन बढ़ते तो वही बार रिपीट हो जाता है, 7 का मतलब 0 बन जाता है, उसमें न तो कोई दिन कम होने वाला है न कोई दिन बढ़ने वाला है। ठीक है, देखिएगा एक और क्वेश्चन अपन ले लेते हैं कोई भी, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन और लिया है, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 7 जुलाई, 7 जुलाई 1111 को, 7 जुलाई 1111 को अगर मंगलवार है, 7 जुलाई 1111 को अगर मंगलवार हैं तो आपसे पूछ लिया जाएगा, आप चाहे इधर चल उल्टा ही भी करके देख लेते हैं, अगर आपको पीछे की तरफ आना है, यहाँ पर जुलाई दिया है, मैंने पूछ लिया है मार्च के बारे में, तो मैंने पूछ लिया 7 मार्च 1111 को कौन सा वार था, ये आपसे पूछा गया है। जब यहाँ पर मैंने पूछा है कि 7 मार्च 1111 को कौन सा वार था, अभी तक अपन क्या करते जा रहे थे, जनवरी से अपन जा रहे थे दिसंबर की तरफ, अपन क्या जा रहे हैं, अब की बार जो क्वेश्चन लिया अपन किधर से लिया है, जुलाई से लेकर अपन जा कर रहे हैं मार्च तक पहुँच रहे हैं, मतलब रिवर्स में अपन चल रहे हैं। जब रिवर्स में अपन चल रहे हैं तो आपको विशेष इस बात का क्या ध्यान रखना है, अब देखिएगा सबसे पहली बात, भाई जुलाई का कोड कितना होता है, 0 होता है, जब जुलाई का कोड 0 लिया है, मार्च का कोड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा जब यहां पर दिनों में अंतर कितने का आ रहा है, 4 दिनों का अंतर आ रहा है, बाकी हुआ क्या है इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि देखो जब मार्च के कोड की मैं बात करता हूं तो मार्च किधर है, इधर मेरे पास मार्च है, ठीक है, जुलाई किधर आता है, पीछे की तरफ, जुलाई का कोड कितना है, 0 है, तो यहां पर दिन कितने कम आपके हुए थे, -4 दिन आपके पास कम हुए थे, तो मतलब आपको ध्यान क्या रखना है, सीधी सी बात आपको ध्यान रखना है, जब भी आप यहां पर जनवरी से दिसंबर की तरफ जाओगे तो दिनों में क्या होता है, प्लस होता है, दिसंबर से आप जनवरी की तरफ आओगे तो दिनों में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, विशेष कर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कहीं लीप वर्ष तो नहीं है, अगर लीप वर्ष होता है तो जनवरी और फरवरी का कोड बदलकर क्या हो जाता है, 0 और 3 हो जाता है, आपको विशेष करके इस बात का ध्यान रखना है। देखिएगा अभी अपनों ने क्या लिया था, 11 जुलाई 1111 को अगर मंगलवार है तो आपको बताना है 7 मार्च 1111 को कौन सा वार था, उल्टा अपन जो चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, 4 दिन आपको रिवर्स चलना है। यहां पर मैंने क्या लिखा था, मंगलवार लिखा था, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या लिखा, मंगलवार मैंने लिखा, जब 4 दिन रिवर्स में अपन जाएंगे तो मंगलवार से पहले क्या आता है, सोमवार आता है, सोमवार से पहले क्या आता है, रविवार आता है, रविवार से पहले क्या आता है, तो यहां पर शनिवार आता है, ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिख लिया, शनिवार। अब 4 दिन जाना है, अभी 3 दिन हुए हैं, 1 दिन और आप जब पीछे जाओगे तो शनिवार से क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाता है, और वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आई बात समझ में, देखिएगा आज मैंने जो आपको जानकारी दी है वो जानकारी सिर्फ कितनी दी है, एक वर्ष के अंतर में जितना भी गैप आता है उसके बारे में आप कुछ भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो आप आराम से बता सकते हो। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है कैलेंडर का, जो पार्ट 2 आएगा, मैं उसमें बताऊंगा अगर हजारों सालों का डिफरेंस होगा, आपसे पूछ लिया गया है कि 1200 सदी की बात कर रहा हूं, 1201 में 5 जनवरी के दिन कौन सा वार था, तो भी आप बता सकते हो। यहां पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि 2505 के दिन कौन सा वार था, तो भी आपको बता सकते हो। यानी कुल मिलाकर कैसे, यहां पर मैं लिख देता हूं कि जैसे कि देखिएगा
कल अपन जो नेक्स्ट वीडियो देखने वाले हैं उसमें मैं यही बताऊंगा। आज अपनों ने एक साल की बात करी है, उसमें हजारों साल की अपन आराम से बात करेंगे। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ पांच स्टेप में आपका आंसर आता है, 10 सेकंड में हजारों साल का गैप तुरंत आप निकाल सकते हो। देखिएगा यहां पर मैं बात क्या कर रहा हूं, यहां पर मैंने आपसे बोल दिया बताइए 1201 के दिन कौन सा, 1201 एक काम करिए पूरा लिखिएगा। यहां पर मैंने लिखा 1 जनवरी, 1 जनवरी 1201 आपसे पूछ लिया गया, 1 जनवरी 1201 के दिन कौन सा वार था तो भी आप बता पाओगे। आपसे पूछ लिया गया है अभी क्या चल रहा है, 2000 चल रहा है ना भाई, 2000 की सदी अपनी बात कर रहे हैं, तो यहां पर जब पूछ लिया गया 2022 की बात करेगा तो भी आप बता सकते हो। आपसे पूछ लिया गया है कि आप बताइए 2060 के दिन, 2060 1 जनवरी के दिन, 2060 1 जनवरी के दिन कौन सा वार होगा तो भी आप बता सकते हो। मतलब कुल मिलाकर मैंने बताया है हजारों साल का डिफरेंस होगा तो भी आप आराम से बता सकते हो। आज मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है, क्या बताया है कि भाई एक साल की अपनों ने बात करी, एक साल के बीच का कोई सा भी डिफरेंस होता है आप तुरंत ही जवाब दे सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है, विशेष करके ध्यान क्या रखोगे तो यहाँ पर आपको कोड ध्यान रखने पड़ेंगे। कि यहाँ पर कोड कैसे याद रखोगे तो 144, 025, 036, 146 विशेष ध्यान, जब लीप वर्ष होता है तो जनवरी और फरवरी का कोड बदल कर क्या हो जाता है, तो जनवरी और फरवरी का कोड बदल कर हो जाता है 03 हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।